हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लॉस एंड शाइन। आज हमारे पास महिंद्रा की थार आई है जिस पे हम जी शाइन अल्फा प्लैटिनम पीपीएफ कर रहे हैं, और एक हमारे पास क्रेटा आई है जो 2021 मॉडल है, उसके ऊपर हम मैट पीपीएफ कर रहे हैं अपना ब्लैक कलर। हम ऐसी रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कौन सी गाड़ी का पीपीएफ इंस्टॉलेशन कम्प्लीट देखना चाहते हैं। अब हमने इस पर पीपीएफ स्टार्ट करने से पहले जितने भी इसके डोर बीडिंग्स हो गई या साइड के डोर हैंडल्स हो गए या अपना साइड मिरर हो गया या साइड की क्लैडिंग, प्रॉपर इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद पीछे की जो टेल लाइट होती है इसको प्रॉपरली रिमूव करेंगे, और इन सारे जो अपना अलॉय व्हील्स हो गया इन सबको प्रॉपरली रिमूव करके साइड में रखेंगे। हमने इस गाड़ी की सारी फिटिंग ओपन कर दी है, क्योंकि जब हम पीपीएफ एप्लीकेशन करें तो हमारा सारा पीपीएफ अंदर होल्ड हो जाए। आप देख सकते हैं राइट डोर के हमने प्रॉपर बीडिंग रिमूव कर दी है साइड के मिरर की, पीपीएफ हमारी अंदर तक होल्ड हो जाए और कॉर्नर से डस्ट ना आए, और राइट साइड का हमने बम्पर प्रोटेक्टर भी निकाल दिया है। अब आपको क्रेटा दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। पूरे बॉनेट पर आप देखेंगे कितने सारे स्क्रैचेस हैं जो कंपाउंड में भी नहीं गए। अब बम्पर पर देखिए कि पूरा पेंट रिमूव हो चुका है, तो हम अगर प्रॉपर इसमें ग्लॉस पीपीएफ करते तो शायद वो रिजल्ट नहीं आता जैसा कस्टमर को चाहिए। तो हम आपको ये स्क्रैचेस देखिए, बोनेट पे प्रॉपरली पेंट गया हुआ है, और कंपाउंड करने के बाद भी इसका स्क्रैच रिमूव नहीं हो सकता, ना पेंट बम्पर पे ठीक हो सकता है ना बोनेट पे। तो हमने कस्टमर को गाइड किया कि सर आप इसके ऊपर मैट पीपीएफ कराएं, तो आप साइड से देख सकते हैं कि मैट का लुक कितना ही निखर के अलग आ रहा है। और कस्टमर्स कार छोड़ के जा चुके हैं, वो शाम को जब डिलीवर लेने आएंगे तब अपनी कार एक ही बार देखेंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी कार शाम को ही देखूंगा कि मेरी कार कैसी दिखती है। अगर हम इसके ऊपर साइड का डोर दिखाएं तो हम थार की प्रॉपर कटिंग कर रहे हैं पीपीएफ का प्रॉपर साइज़ लेके, क्योंकि हम पीपीएफ करने से पहले प्रॉपर साइज़ कटिंग करके अपना सारा जितना भी हमने पीस कटिंग करी है वो रख लें, क्योंकि बाद में जब हम एप्लीकेशन करें तो इंस्टॉलेशन करते टाइम हाथ ना रुके, प्रॉपर साइज़ प्री कट करके अपना हैंड कटिंग प्रॉपर फिटमेंट करना स्टार्ट करें। तो हम देख सकते हैं साइड के मिरर्स वगैरह, साइड के डोर प्रॉपर सब की कटिंग कर चुके हैं। तो अभी साइज़ देख रहे हैं, साइड का विंडो हमने काटा है अभी, तो हम प्रॉपर साइज़ एज टू एज लेंगे कि हम कहीं पे भी कोई कट नहीं दे रहे हैं। जो भी पीपीएफ एप्लीकेशन कर रहे हैं सिंगल पीस में कर रहे हैं, कोई भी कहीं पे जॉइंट नहीं, कोई कहीं कट नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने थार देखी है जो लोग पीपीएफ करते हैं वो सिंगल पीस में नहीं करते हैं, कोई कहीं बीच में कटिंग भी देते हैं। अब आप देखोगे साइड के जो हमने ये जो बम्पर्स बैठाए हैं इसको सिंगल पीस में ही, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि हमने सिंगल पीस में ही हमने पीपीएफ को डन किया। आपको क्रेटा का बोनेट दिखाते हैं, बोनेट के ऊपर हमने मैट पीपीएफ एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं बोनेट पे जितने भी जो स्क्रैचेस थे वो सब चीज़ सारे स्क्रैचेस इसमें कवर हो चुके हैं, क्योंकि जो मैट पीपीएफ है ये इसका कलर ही मैट है, ब्लैक कलर में है, तो ये जितने भी आपके नीचे के स्क्रैचेस हैं उनको रिमूव कर देता है और आपके नीचे के स्क्रैचेस को दिखने नहीं देता। अब साइड से देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब हमने हमारी थार कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसके जो साइड के मड फ्लैप और अपना डोर विडिंग्स वगैरह निकाली थी प्रॉपर फिटमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से निकाली थी उसी तरीके से हमने प्रॉपर फिटमेंट कर दी है, कहीं से भी कोई पार्ट हिल नहीं रहा है, जैसे निकाला उसको वैसे ही फिटमेंट किया है। और आप देख सकते हैं साइड के बम्पर्स गार्ड, ये साइड की डोर विडिंग्स, डोर हैंडल प्रॉपर फिटमेंट कम्प्लीट हो चुके हैं। अब ये देख सकते हैं कि साइड के अपने जितने भी कंप्लीट बेडिंग्स वगैरह, डोर वाइज़र प्रॉपर जो जो निकाला है हम प्रॉपर कंप्लीट फिट कर चुके हैं, और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ग्लॉस कितनी अच्छी निकल के आ रही है पीपीएफ के बाद। अभी हम इसका आपको आफ्टर शॉट दिखाएंगे। अच्छा, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मैट ज़्यादा अच्छी लग रही है या ग्लॉस। अब हमारी दोनों कार कंप्लीट हो चुकी है, थार भी और क्रेटा भी। अब आप दोनों का ही आफ्टर शॉट देखिए, ये थार का, और मैं अब आपको इसके बाद क्रेटा का भी लुक दिखाऊंगा।
आप बताना ग्लॉस ज़्यादा अच्छी लगी है आपको या मैट ज़्यादा। अब आप देखिए कि कंप्लीट होने के बाद पता भी नहीं चल रहा है इस कार पे PPF एप्लीकेशन हुई हुई है। बस आप इसकी ग्लॉस देख सकते हैं, मिरर लुक दे रहे हैं, क्योंकि PPF दिखनी ऐसी लगनी चाहिए कि पता भी ना चले कि आपने PPF कराया हुआ है, क्योंकि जितने भी इसके कॉर्नर्स होते हैं हम लोग प्रॉपरली अंदर ही होल्ड करते हैं। अब आप आफ्टर लुक देखिए क्रेटा का कितना अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको क्रेटा कैसी लग रही है। अब हम कस्टमर का रिएक्शन देखते हैं, कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं। भैया कैसी लगी आपको अपनी कार? परफेक्ट, मोर देन ऑसम। सुबह आए थे, कैसी थी और आप देख के कैसा लग रहा है? टोटली चेंज। टोटली चेंज लग रहा है, कुछ अलग? बहुत अलग, टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट, काम से सेटिस्फाइड? परफेक्ट। आप रेकमेंड करेंगे ग्लॉस एंड शाइन को? बिल्कुल। थैंक यू सर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।